अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2021 के 15 लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, प्रीवियस सब्जेक्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर और सब्जेक्ट देख सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों का। तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि क्यामत आ जाए। विंडो और पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट हमारे पास ओपन हो गया है। हम ले लेते हैं थीम, ये थीम ले लेते हैं, ठीक है। कलर हम इसको कर लेते हैं ये वाला, क्रिएट हम कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे दिखने में कितनी अच्छी थीम लग रही है। टाइटल, सब टाइटल, सब टाइटल। अच्छा, एक टाइटल होता है फ्रंट वाला, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई शॉप है, मेरी शॉप है, उस पर मेरा भाई बैठा है, तो जो शॉप का मालिक होगा ना, जैसे मेरी शॉप है तो इधर आएगा मेरा नाम, उस शॉप पे मेरा भाई बैठा है तो उधर आएगा उसका, मेरे भाई का नाम, मतलब कि मालिक उससे छोटा मालिक, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। इक्वेशन, आपको पता है कि पेपर बनते हैं और पेपर में हमारे पास मैथ का पेपर भी होता है, तो ये कुछ फेमस इक्वेशन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके अंदर रखी हुई है। अगर आपको अपनी इक्वेशन ऐड करनी है तो आप क्या करें, इंक इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास ये इंक आ गया, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया ये टू, ये मैंने एक्स लिख दिया इधर, ठीक है। उधर देखें वो उसने कंप्यूटर है ना, तो इसको कैसे समझ लिया इसे, तो अब ये देखें इसको क्या समझ, काफ़ी मुश्किल होती है ऐसे लिखने में। ये इरेजर है, हम इसको इससे मिटा सकते हैं, ये मैंने मिटा दिया, फिर से मैं इसको लिखता हूँ 2x, ठीक है। अब भी नहीं आया, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। ये असल में हम दे रहे हैं स्टाइलिश एक्स, हम दे देते हैं सिंपल वाला जो कंप्यूटर के अंदर होता है। आ गया देखें 2x, और ये इसको आया, ठीक है, यहाँ पे आप मैंने कर दिया इंसर्ट। तो ये देखें हमने इसके अंदर अपनी इक्वेशन ऐड कर दी है, ये हमारे पास, हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सब कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं, ये देखें ये ऐड कर दी। तो आप इक्वेशन पेपर आप ऐसे बना सकते हैं, ये काफ़ी सारे इक्वेशन हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटर्स, मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंक इक्वेशन था हमारे पास, ये नहीं वाला ऑप्शन, बाहर वाला इंक इक्वेशन फिर से ऐड करनी, ठीक है। इधर से ऐड कर सकते हैं, ये उस पर कुछ सिंबल्स या आइकन्स हैं जो आप मैथ के अंदर पढ़े होंगे आपने, जो मैथ का जिसको मैथ अच्छी लगती होगी ना वो इस चीज़ को समझ गया होगा। मुझे मैथ इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, सिर्फ कंप्यूटर की स्टडी, ठीक है। शेप फॉर्मेट में भी हमारे पास वही ऑप्शन है, चलते हैं फिर से। उसके बाद हमारे पास सैम्पल्स हैं, सैम्पल हमारे पास डीएक्टिवेट हैं, तो इधर आ जाते हैं, हमारे पास एक्टिव हो चुके हैं। ये हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड इसके अंदर सैम्पल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, आप इधर क्लिक करेंगे तो इधर जिस पर भी क्लिक करेंगे ये देखें ऑटोमेटिक नीचे सैम्पल चेंज हो रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इधर आप क्लिक करें, इधर इस पर क्लिक करें तो ये देखें फिर चेंज हो, अनलिमिटेड ऐड करना है। जैसे मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ और मैंने इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये ऐड हो चुका है, ऐड हो गया टू के साथ, स्क्वायर के साथ ही ऐड हो गया, कंट्रोल सी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन में, वीडियो का। अब हम इसके अंदर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, किस डिवाइस, मुझे इस प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो ऐड करनी है, तो मेरे पास कोई वीडियो ऐसी पड़ी नहीं है, तो देख लेते हैं स्क्रीन कैप्चर नहीं, वॉलपेपर सॉफ्टवेयर मिले नहीं, आइकन्स, मतलब एक कॉलम देख लेते हैं, एक आज मैं ये वीडियो इसके अंदर कर देता हूँ एड, ठीक है। तो ये थोड़े से प्रोसेस के बाद ही हमारी इसके अंदर वीडियो एड हो गई है। इधर से हमारी आवाज़ वाला है, ये इधर से आप उसको प्ले कर सकते हैं, इधर से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो भी इसके अंदर एड कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में हम आ जाते हैं प्ले, कलर, कलर है वीडियो का, पढ़ा चुका हूँ, ये फिर तो
दूसरा कलर से, ये पोस्टर फ्रेम है, केस का साइज कितना रखना है, विड्थ है, ट्रे सेट डिज़ाइन है, उसके बाद वीडियो स्टाइल है, 3D में कर देंगे, 3D हो गया इसको इसे बना दें, ये वही चीज़ें हैं आप ये देख सकते हैं। कोई न्यू है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं तो मैं आपको वो बता देता हूँ, वीडियो छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। प्लेबैक में आ जाते हैं, प्लेबैक में हाँ ये कुछ नई चीज़ है, इसको हम थोड़ी आवाज को कर देते हैं कम, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इधर करके, यहाँ चलो वीडियो का आवाज़ बंद कर दूँ। मिले का है एक बुकमार्क, बुकमार्क मतलब कोई चीज़ आपको अच्छी लगी और आपने उसको उधर बुकमार्क कर दी, जैसे मैं इधर आया और मैंने इसको कर दिया एक बुकमार्क, तो हमारे पास ही हमें पता चल गया कि भाई ये वाला पॉइंट जो है ये अच्छा पॉइंट है। रिमूव बुकमार्क, ट्रिम वीडियो मतलब वीडियो को कहाँ से कहाँ तक आपको रखनी है इसके फाइल के अंदर, मतलब इस पावर पॉइंट के अंदर, मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है तो मैं ओके, तो ये हमारे पास वीडियो ट्रिम हो चुकी है, ये हमारे पास देखे छोटी सी वीडियो, ठीक है। फेड इन फेड आउट, ये होती है आवाज़ तेज, आपने वीडियोस में देखा होगा, मेरी वीडियोस में जब हमारा इंट्रो वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग वाला इंट्रो आते हैं तो आखिर में वो जाते ही जैसे लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो आवाज़ कम हो जाती है म्यूज़िक की, फिर जो मेरी वॉइस आवाज़ होती है वो तेज़ हो जाती है, वो होता है फेड इन फेड आउट, ठीक है। फेड इन करेंगे तो हमारे पास आवाज़ तेज होगी, फेड आउट करेंगे तो हमारे पास उस वीडियो की आवाज़ कम होगी, ये वाली हमें मीडियम हाई रूम में होने की, ये मैं मीडियम कर दिया, ये मैंने म्यूट कर दिया, आप इधर से भी इसको कर सकते हैं। स्टार्ट इन क्लिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिकली क्लिक करें, इधर क्लिक करें स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, ये वाला ऑप्शन से क्लिक करो, प्ले फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन हमारे पास चलेगा, हम इसको खोलेंगे। वाइल हाइट नॉट प्लेइंग, हाइट वाइल नॉट प्लेइंग जब नहीं चले हमारे पास तो ये वीडियो हाइट हो जाए, ठीक है। लूप अंटिल स्टॉप्ड, रिवाइंड इसको छोड़ दें, इंसर्ट कैप्शन, सेव एज, सेव मीडिया, मतलब इसको पावर पॉइंट के फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, वीडियो का हमारा हो चुका है स्टॉप, वीडियोस इसको छोड़ दें, ऑनलाइन वीडियोस आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ये हमारे पास वही है वीडियो ऑडियो, आप पीसी से भी रख सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप ऑडियो इसके अंदर, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप इसके ज़रिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर चल रहा है जिससे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाला ऑप्शन आप करके देखना, अगर कोई इशू आता है इन तीनों ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसके बारे में छोटी सी वीडियो बना के आपको आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंसर्ट टेप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उसमें कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।